बड़ी समस्या आ गई है। समस्या? हाँ। कुछ पैसे वैसे चाहिए, मेरे पास 5-10 हजार रखे हुए। कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी, हम आपसे पैसा लेंगे क्या? तो किसी ने धमकी दी है क्या? कौन धमकी देगा हमको, धमकी से हम डरते हैं? तो फिर बात क्या है, अगर तू कुछ बताएगा नहीं तो मेरी समझ में कैसे आएगा? हाँ, ये भी बात ठीक है, लेकिन यही तो समस्या है, बताएं कैसे? आप क्या सोचेंगी, दुनिया क्या सोचेगी? अब मटर बहुत गंभीर है। कोई लड़की पसंद आ गई क्या? उसे उसे हम पसंद आ गए हैं। ओ, अब वो हमसे मैरिज बनाना चाहती है तो हम क्या करें? मसाले लाले, अपना घर बसा ले, दूसरों के लिए बहुत जिया तू, अब थोड़ा अपने लिए जी ले। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हैं तो मान लेते हैं। नमस्कार लाल बादशाह। गुड मॉर्निंग। ओह, आप हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम कैसे हैं? और कैसे लग रहे हैं आप, बोलिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हाँ? Fabulous, terrific. हाँ बस हो गया। और चलते हैं, अपने पिताजी को हमारा नमस्कार बोल दीजिएगा। जी। Bye. Terrific. अरे वहाँ बल्लू कहाँ गया, देखा क्या? कौन है आप? यहाँ कहाँ खड़ी हैं? मुझे लाल बादशाह से मिलना है। और हमारा नाम लाल सिंह है, प्यार से सब लोग हमको लाल बादशाह बोलते हैं, बोलिए। अरे अरे, ये क्या कर रही है? अरे ये रो कह रही है। अरे रोती कहाँ है, बोली ना। मैं बहुत संकट और परेशानी में हूँ। नारायण सिंह नाम के एक बदमाश ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ना वो पैसा देता है ना ही जमीन देता है। आज उसने मेरे पति को धमकाया, अगर हमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो मेरे पति को जान से मार डालेगा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो आपके सामने भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जाइए, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा। जाइए जाइए, हो जाएगा। सुनिए, क्या नाम बताया आपने? नारायण सिंह। नमस्कार। तो तुम हो लाल बादशाह, बोलो क्या चाहते हो? अरे हमको क्या चाहिए, बस सीके त्रिपाठी जी की पत्नी है कमला देवी, हमको मिली थी, कह रही थी कि ये जो तबेले की जमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, वो वापस मांग रही हैं। तो या तो जमीन का कागज दे दीजिए या पैसा वापस लौटा दीजिए, मैटर फिनिश कीजिए। तुम्हारे पहले वकालत करने भी बहुत आए थे, गोबर में दबाकर मार डाला। अरे लाल बादशाह, तुम तो भाड़े के 4-5 टट्टू को ले आओगे ना? अरे हमारे फैमिली में पूरे 65 मेंबर है, 65। साला एक एक लट मारेंगे ना तो तुम्हारी चिता यहीं की यहीं जल जाएगी। हमारे भांजे का नाम है विक्रम सिंह। हो गया आपका, तो सुनिए हम बोलते हैं, ये जो आपका भांजा है, क्या नाम बोले आप? विक्रम सिंह। हाँ विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह के कान में थोड़ा हमारी बात भी बोल दीजिएगा, आप दोनों मामा भांजा जो है, अब मिल करके जमीन के बारे में थोड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। 7 दिन का टाइम हम आपको देते हैं, 7 दिन आपका, 8वां हमारा, चलते हैं। नमस्कार। और चलिए बल्लू जी, वहां क्या खड़े खड़े हिल रहे हैं? बाबा जी माफ कर दीजिए, ये आदमी आपको जानता नहीं, बाबा जी माफ कर दीजिए। हट, भाग जा, विकी, विकी नीचे आ। अरे बंद करिए अपना सिगरेट का धुआं, बंद करिए। मामा क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? अरे जिस तबेले का दूध पिला पिला कर तेरे को इतना बड़ा किया, आज उसी तबेले को ताला मारने आ रहा है वो। कौन? लाल बादशाह बोलता है साला अपने आप को लाल बादशाह। कितने लाल पीले नीले घूमते रहते हैं, बादशाह तो मुंबई शहर का एक ही है, विक्की, विक्की बादशाह। थूक कर गया रे, वो तेरे नाम पर थूक कर गया, इसके पहले कि उसके हाथ तेरे मामा के तबेले पर पहुंचे, काट दे उसका हाथ वरना हम दोनों की नाक कट जाएगी, याद रख। फिक्र मत करो मामा, बोलो क्या पियोगे? खून पिला दे रे, खून। अरे विक्की,
उस कमीने का खून पिला दे मुझे, तभी जाके तेरे मामा के दिल में ठंडक पहुंचेगी, समझा? जा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बोल दीजिएगा काम हो जाएगा। लोगों ने जो कहा था वो कर दिया, मैं भी बस लाचार मजबूरों की तरह अपने स्वाग को मिटता हुआ देखती रही। उन लोगों ने मेरी मांग को छोड़ दी, मेरे स्वाग की चूड़ियां तोड़ दी, मैं विधवा हो गई। ये देखो मैं विधवा हो गई। ये सब क्या हो गया लाल बच्चा? देखिए हम आपका खोया हुआ सुहाग तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन ये जो आपका आंसू है इससे हम उस ससुरे का इतिहास मिटा देंगे। चोंच देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ससरे का गर्दन का गुठली हमारे हाथ में आ जाएगा। हट जाइए, हटिए। इसी ने आपका सिंदूर छीना था ना, आप इसका जिंदगी छीन लीजिए। मंगलसूत्र तोड़ा था आपका इसने, आप इसकी सांस तोड़ दीजिए और बता दीजिए दुनिया वालों को कि हिंदुस्तानी औरत पे जुर्म होता है तो वह कैसा रूप धारण करती है। क्या मार रहे हो इन्हें?
सोच क्या रही है, खत्म कीजिए इसको, सजा लाल सिंह अपने माथे पर ले लेगा। लाल बादशाह, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं अरेस्ट वारंट लेकर आया हूं। लात मारकर इतना जोर से हमारा दरवाजा पटकेंगे तो वारंट ही लाए होंगे, वरना अंगुरी उठा करके कोई हमारा दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जानते हैं ना। आइए बैठे, थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं। मैं यहाँ चाय पीने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। इस बार मैंने तुम्हारे खिलाफ इतने गवाह इकट्ठे कर लिए हैं कि अगर यमदूत भी चाहे तो भी तुम्हारा अरेस्ट वारंट कैंसिल नहीं करवा सकता। बेहतर यही होगा कि तुम नीचे जाते समय अपने आदमियों से कह देना कि वो शांत रहे, वरना खून खराबा भी हो सकता है। अरे कैसा एसपी है यार, वर्दी आप पहनेंगे, ये तमगा आप लगाएंगे, इतना बड़ा फौज लेकर आप आएंगे और मदद की भीख हमसे मांगते हैं? ये तो हम किसी को जबान दिए इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइए दीजिए, कहाँ है हाथ खड़ी पहनाइए, चलिए। छीन कर ले जाने की ताकत रखता हूं, मां भवानी की कसम, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ए मां, ऐ कोई कलम जो सजा की स्याही तेरे लाल पे छिड़क सके, कोई गोली है क्या जो तेरे लाल के सीने को पार कर जाए? तेरे आशीर्वाद के सामने जितना टोपी वाले का हथियार है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आप चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए, अभी थोड़ी देर में ये लोग हमको खुदा ही यहां छोड़ जाएंगे। चिर स्पर्श करते लाल बादशाह को खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल बादशाह गिरफ्तार।